हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ युकेश। तो सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कैटलॉग के बारे में। कैटलॉग एक बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है जो कि एक बुक का होता है। जैसे बुक के ऊपर एक नेम होता है, ऑथर नेम होता है, टाइटल होता है और एडिटर होता है, और उसके बारे में उसके पेपर्स, उनमें पेपर्स का मेंशन होते हैं कि कितने पेपर्स हैं, और उसका साइज मेंशन होता है और प्राइस भी, बहुत कुछ मेंशन होता है। तो वही सब हम कैटलॉग के ऊपर लिखते हैं लाइब्रेरी के अंदर। तो मेनली हम देखा जाए हमें देखा जाए तो फिर कैटलॉग का जो हाइट होता है वो होता है 7.5 सेंटीमीटर्स एंड 12.5 सेंटीमीटर उसका ब्रेथ होता है। और इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे लीडिंग लाइन भी कहा जाता है, और एक फर्स्ट इंडेंशन होता है, एक सेकंड इंडेंशन होता है और एक होता है थर्ड इंडेंशन। ये ज़्यादातर इमेजिनरी होता है, वैसे कभी भी इसे ड्रॉ नहीं किया जाता। सो फ्रेंड, डिज़ाइन के बाद हम अब आते हैं कि उसमें हम डिटेल्स जो भरते हैं, जैसे कि ऑथर नेम जो होता है उसमें हम पहले सरनेम लिखते हैं और फिर उसके बाद कॉमा लगाते हैं जैसे कि लिखा है मैंने, और उसके बाद फोरनेम आता है और फिर उसके बाद मिडिल नेम और फिर आता है फुल स्टॉप। और ये होता है स्केलेटन कार्ड। इसमें सब कुछ मेंशन है और खासकर इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि ये जो सेक्शन है इसके अंदर हम पेंसिल से लिखते हैं। जैसे जो कॉल नंबर होता है उसे हम पेंसिल से लिखते हैं, और ऐसा कुछ कैटलॉग नज़र आता है। यहाँ एक होल होता है और हमें ये सारे के सारे जो नोटेशंस हैं इन्हें बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है। ये आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, देखिए और इसे एग्ज़ाम में थोड़ा ध्यान से लिखना। अगर हम स्केलेटन कार्ड में अगर कैटलॉग की बात करी जाए तो फिर इसके अंदर एक नोट सेक्शन होता है जो बिल्कुल ISBN के नीचे होता है, और उसके नीचे होता है ट्रेसिंग सेक्शन। नोट सेक्शंस में हम ये दिखाते हैं कि हम उसमें अगर कोई कंटेंट लिखना है, उसके एडिशन के बारे में लिखना है या फिर वॉल्यूम्स के बारे में लिखना है, तो वो खासकर हम नोट सेक्शन में लिखते हैं। और नोट सेक्शन के नीचे बिल्कुल ट्रेसिंग सेक्शन होता है। ट्रेसिंग सेक्शन में हम वो लिखते हैं जैसे कि मेन मेन जो हमारा एंट्री होती है जैसे ऑथर की होती है, तो फिर उसके बाद हम किस किस एंट्री का हम कैटलॉग बनाएंगे एक बुक के लिए। जैसे कि एक होता है टाइटल एंट्री, एक होता है एडिटर एंट्री और एक्सेट्रा, सब्जेक्ट भी होता है एक एंट्री और एक्सेट्रा, उसमें कई सारी एंट्रीज हम बनाते हैं तो उसे ट्रेसिंग सेक्शन में हम लिखते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके सामने एक बुक का कवर है जो कि जिसमें सब कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि बुक का टाइटल, उसका सब टाइटल, उसका ऑथर, उसका पब्लिशर और प्लेस, और इसके साथ कॉल नंबर और एक्सेट्रा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हम इसका एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि इसमें पहले हम कैटलॉग जो अगर हम मेन एंट्री बनाते हैं तो वो खासकर सबसे पहले हम ऑथर की बनाते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है हमने पहले उसका सरनेम लिया है, फिर उसका फोरनेम और फिर उसका मिडिल नेम। तो हमने ऐसा एक ऑथर मेन एंट्री बनाई है जिसमें यार ये जो होता है कॉल नंबर ये पेंसिल से लिखा जाता है, जैसे 371.93 और FUR, ये हम पेंसिल से लिखते हैं। और जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है द डेविन पीपल जो कि है टाइटल, और फिर उसके बाद लगा हुआ है कॉलन, और उसके बाद है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो कि है सब टाइटल, और फिर उसके बाद है स्लैश, और फिर है VJ.furlong जो कि है उसका ऑथर, और उसके बाद डॉट, और फिर उसके बाद लगा है अंडरस्कोर, और फिर मिल्टन कीन्स जो कि उस जो
जहाँ पब्लिशर का जो मेन एड्रेस, जो मेन स्टेट है वो यहाँ लिखा जाता है, स्टेट या कंट्री। और फिर उसके बाद आता है कॉलन, और फिर आता है ओपन यूनिवर्सिटी प्रेस जो कि है पब्लिशर, और फिर कॉमा, फिर 1985 जो कि ईयर है, और उसके बाद डॉट। और फिर आते हैं रोमन नंबर्स जो कि बुक पे जैसे जिसमें टाइटल और जो अदर इंफॉर्मेशन जो लिखा होता है जैसे एब्स्ट्रैक्ट, और ये इन सबको हम रोमन नंबर में लिखा रहता है जैसे बुक के अंदर। तो जो जितने बुक में जो स्टार्टिंग के पेजेस हैं उसे हम स्टार्टिंग में लिखते हैं, फिर लगाते हैं हम कॉमा, फिर उसके बाद लिखते हैं हम टोटल पेजेस के कितने हैं, उसके आगे पी लगाते हैं, फिर उसके बाद डॉट लगाते हैं, फिर उसके बाद हम लगाते हैं सेमी कॉलन, और पेज का साइज लिखते हैं, और फिर डॉट। और उसके बाद आता है ISBN नंबर जो यहाँ लिखते हैं। और फिर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहला जो हम जिसमें ट्रेसिंग सेक्शन में जो सबसे पहला जो एंट्री जो हम लिखेंगे उसमें हम 1 लिखेंगे नॉर्मली, और उसके बाद सब कुछ रोमन नंबर में, जैसे ये टाइटल में हमें रोमन नंबर में लिखना है, और फिर उसके आगे अगर हम जितनी भी एक्स्ट्रा एंट्रीज बननी है उसे हम रोमन नंबर्स में लिखना है, और ये है एक्सेशन नंबर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये है उसका सब्जेक्ट एंट्री, सब्जेक्ट एडिट एंट्री। इसमें हम ज़्यादा कुछ अलग नहीं, बस हम बुक का पहले ऑथर लिख देंगे और फिर उसका बुक का नेम लिख देंगे, और रेस्ट एज मेन एंट्री लिख देंगे क्योंकि हमें फिर से वो सारी इंफॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम सब्जेक्ट नेम लिखेंगे जो सब्जेक्ट उसका है इमोशनल डिस्टर्ब चिल्ड्रन, वो हम यहाँ ऊपर लिखेंगे। और जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इफ देयर आर मोर देन वन एंट्री यू शुड राइट रेस्ट एज मेन एंट्री। इसमें बस ये है कि जैसे अगर हम मेन एंट्री के आगे अगर हम कुछ भी बनाएंगे तो वो सारे के सारे उन सब में हमें रेस्ट एज मेन एंट्री लिखना है, और ज़्यादा और हमें कुछ नहीं लिखना होता, बस इसमें ये चेंज करना होता है और यहाँ लिखना होता है, और ये वो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बस रेस्ट एज इन द मेन एंट्री लिखना पड़ता है। और उसके आखिरी में जैसे कि टाइटल एंट्री हमने एडिट एंट्री में जो हम डालते हैं, तो फिर उसमें बस स्टार्ट टॉप पे हम बुक का नाम लिख देते हैं, और फिर ये नॉर्मली वही रहता है, और फिर उसके बाद आता है रेस्ट एज मेन एंट्री। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे कि यहाँ आपने देखा कि आखिरी में हमें सिर्फ और सिर्फ टाइटल लिखना है, टाइटल लिखना है, और ऐसे नहीं कि हमें पूरा का पूरा बुक का नाम लिखना है, सिर्फ टाइटल लिखना है और बस। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक इट, यू एन्जॉय दिस सेशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू।